वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और फाइनली हम लोग सुपर सुपर एक्साइटेड, आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे जितना मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल फाइनली एटीवी इंडिया जो है वो लॉन्च होने जा रही है और लोगों की सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत जो है वो सफल होने वाली है। और ऐसे दिग्गज लीडर जिन्होंने 6 से 8 महीने से लेके 1 साल 2 साल या 3 साल तक इस पर्टिकुलर माइंडसेट को लेके सर्वाइव किया है, उनको हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपसे ज्यादा विजनरी कोई भी नहीं हो सकता। इतना विजनरी होना, इतने समय तक एक चीज को लेके कंसिस्टेंटली जो है परफॉर्म करते रहना, बिना पैसे के वो बिलीव सिस्टम बना के रखना जब कंपनी भी इंडिया में नहीं थी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लोग विजनरी लोग हैं। हम सभी लोग जो है, जितने भी लोग इसके इस शुरुआती दौर पे जुड़े हुए और जिन्होंने मार्केट के सारे ऑब्जेक्शन, सारे परेशानियों के झेले, वो सारे लोग अगर बिना पैसों के अगर आप इतना लंबे समय तक काम कर सकते हैं ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप में क्या सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और आप कितना दूर तक जो है जाने वाले हैं, राइट। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपको ये रियलाइज करवा सकूं, क्योंकि अगर आपने बिना पैसे के, बिना मोटिवेशन के, बिना कंपनी के, बिना प्रोडक्ट्स के, बिना पे आउट के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, चाहे आपकी 100 लोगों की भी टीम क्यों ना हो, रिसेंटली आपने क्यों ना ज्वाइन किया हो, लेकिन आपने वो भरोसा दिखाया है, वो भरोसा बहुत बड़ी चीज है, राइट। और यही भरोसा आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, और यही भरोसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की प्री लॉन्च में एक समझ जो है वो रखने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हर लीडर इतना विजनरी नहीं होता, इतना दूर तक नहीं सोच पाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आने वाले समय में इतने सारे सेल्स मास्टर्स, मैं कहूंगा कि हजारों की तादाद में सेल्स मास्टर निकलेंगे, जैसे कि पहला हमारा जो बिजनेस साइकिल है वो 11 से 14 तारीख का है, और जैसे ही 11 से 14 तारीख के बीच में हमारा बिजनेस साइकिल एंड होता है, तो आपको बहुत सारे सेल्स मास्टर्स और डायमंड मास्टर्स की जो है खबरें मिलना शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद में 16 तारीख से 30 तारीख के बाद में दोबारा जो हमारा साइकिल होता है, तो जिन्होंने डायमंड मास्टर क्वालिफाई किया था वो शायद सेवन रोज मास्टर की तैयारी कर रहे होंगे, और जिन्होंने सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया था शायद वो डायमंड मास्टर की तैयारी कर रहे होंगे, राइट। तो इतने सारे न्यूज मिलने वाली हैं, इतने सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं, और अभी जो चंद लीडर्स या चंद चेहरे जो मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से या आप बोल सकते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, तो ये सिर्फ सिलेक्टेड चेहरे नहीं है, मार्केट में हजारों लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो ऑफलाइन अपने आप को झोंक दिए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो तपस्या की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इतना भरोसा बनाया है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने सेक्रीफाइस भी की हैं, सेक्रीफाइस उनका समय दिया है, उन्होंने अपनी फैमिली से ज्यादा समय जो है एटमी को दिया है, तो हैट्स ऑफ टू यू, मतलब इतना बड़ा कि त्याग, वो इतना बड़ा त्याग देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और यही जो चीज है वो सफलता के तौर पे आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है। और डेफिनेटली बात है, आप सभी लोगों को मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, मैं भी सीखने वाला हूँ, बहुत सारे लीडर्स के एक्सपीरियंसेस हमको मिलने वाले हैं, जैसे ही एटमी के वन डे सेमिनार, सक्सेस एकेडमी, इसके बाद में जो लाइव सिनेरियोज हैं वो सारी चीजें जब स्टार्ट होंगी और हमको उनका भाग बनने का मौका मिलेगा, और ऐसे लीडर्स जिन्हें शायद आपने कभी यूट्यूब पे नहीं देखा है या जिन्हें कभी जूम मीटिंग पे नहीं सुना है, वो सारी जो स्टोरीज हैं, ये सारी जब स्टोरीज आपके सामने निकल के आएंगी ना, तो इतनी सारी इंस्पिरेशन निकल के आएगी, इतना सारा मोटिवेशन निकल के आएगा कि लोगों को सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनके तरीके फॉलो करना है, उनकी जर्नी फॉलो करनी है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब कुछ चीजें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस हम लोगों ने अभी जो डेवलप किया था, ये बिजनेस आइडिया स्टेज पे, जो मैं बोलता हूँ, ये आइडिया स्टेज पे किसी भी कंपनी की एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसे हम लोगों ने डेफिनेटली यूज किया, लेकिन अब जो है वो रियल बिजनेस होने वाला है, और अब का जो बिजनेस होने वाला है वो शायद आपकी ग्रोथ में 3 से 10 गुना ग्रोथ जो है वो ऐड कर देगा। और ये कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बिना प्रोडक्ट्स के काम किया है, अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल भी पे आउट्स नहीं लिए हैं, तो अब आपके पास में सोशल प्रूफ बहुत ज्यादा निकल के आएंगे। सोशल प्रूफ मतलब से ऐसे लोग जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, उन्हें प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, है ना, जो भी हमारे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जो आने वाले हैं, तो इन सारे प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स निकल के आने वाले हैं, इन प्रोडक्ट के रिजल्ट के थ्रू जो कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाइड होंगे, वो बोलना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करें आगे आने वाले समय में जो पे आउट्स निकलेंगे, जो बड़े बड़े मार्केट के पे आउट निकलेंगे, जो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, बड़े बड़े लीडर्स जो शायद 2-3 साल से काम करते आ रहे हैं, इन सभी लीडर्स के जो पे आउट्स निकलना स्टार्ट होंगे, ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और 2021 में अगर हम लोग बात करें एटमी की पोजीशन क्या होगी, तो हम लोग इस इंडिया के चार्ट पर लीड करने वाले हैं, 110% लीड करने वाले हैं यहाँ की जो भी टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनमें, क्योंकि एटमी ने भी बहुत समय पेशेंस रखा, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बहुत समय पेशेंस रखा, और इतना बड़ा पेशेंस फाइनली उनको एक बड़े रिजल्ट के रूप में जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि
हम लोगों ने अक्सर एटमी को बहुत ज्यादा एथिकल कंपनी के तौर पर प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल बेस्ड कंपनी के तौर पर प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा एक विजनरी कंपनी के तौर पर अपने एक फाउंडिंग मोटो जो रखती है, ऐसे इस तरीके के एक सैद्धांतिक कंपनी के तौर पर जो है वो प्रमोट किया है। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ इसे प्रमोशन तक ही सीमित ना रखें, इन सारी क्वालिटीज को जो कंपनी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कंपनी के बेसिक कल्चर हैं, कल्चर ऑफ शेयरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को आपको अपने आप में अडॉप्ट करना होगा। आप सही एटमियंस तभी कहलाएंगे, आप सही एटमी के सफल लीडर तभी कहलाएंगे। सिर्फ पैसा मिलने से सफलता नहीं होगी, आप सही सफल लीडर तब कहलाएंगे जब आप एक्चुअल में वो कल्चर ऑफ शेयरिंग को अडॉप्ट करते हैं, वो कल्चर ऑफ शेयरिंग समझते हैं, उसी कल्चर ऑफ शेयरिंग को सिर्फ आप ज्वाइनिंग के तौर पर यूज नहीं करते हैं, अपने आप पर भी लागू करते हैं, राइट, अपनी टीम पर भी लागू करते हैं। और जब तक आप ये अपनी टीम की सोच डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप एक सफल लीडर शायद नहीं कहला सकते, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यही बातें जो है एटमी को दुनिया में सबसे ज्यादा अलग एक पोजीशन देके रखती है। और वो पोजीशन अगर आपको अपनी भी क्रिएट करनी है, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंपैरिजन में, बाकी सारी जो अदर एमएलएम कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में क्रिएट करनी है, तो आपको ये प्रिंसिपल्स, ये मोटो, ये विजन और ये जो भी सिद्धांत हैं एटमी के, जो भी कल्चर है, इन सभी चीजों को उतना ही ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा जितना मिस्टर हेंगिल पार्क सर ने आज से 10 साल 11 साल पहले करना शुरू किया था, राइट। तभी शायद हम लोग उनके जैसा सोच पाएंगे, शायद हम लोग 1% ही सही लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होने वाली हैं, जब आप इन्हें सिर्फ एक प्रमोशन के तौर पे यूज ना करें, नए प्रोस्पेक्ट को जोड़ने के तौर पे यूज ना करें, खुद पे अप्लाई करें, खुद भी उस तरीके के बनने स्टार्ट करें, राइट। आने वाले समय में तैयार हो जाइए, मार्केट बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाला है, बहुत ज्यादा हलचल मचने वाली है, और इस मार्केट को गंदा करने के लिए लोग भी उतने ही ज्यादा आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोग आपके माइंडसेट, आपकी टीम, आपका कल्चर, आपका एटमॉस्फेयर, किसी भी चीज को पोल्यूट ना करें। आप अपने जगह उसी सिद्धांतों को फॉलो करें, ऑटोमेटिकली जिन लोगों को ये सिद्धांत उनकी कंपनीज में नहीं मिले हैं, डेफिनेट सी बात है वो आपका हैंड होल्ड करना चाहेंगे। क्योंकि पैसा, मैंने पहले भी बताया है कि पैसा हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बनाया है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में नाम बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, लेकिन कुछ जो सर्टेन चीजें मिसिंग है, शायद वो सारी मिसिंग चीजें जो है वो एटमी फुलफिल कर देता है। तो 2010 के बाद में मैंने अगर कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो एटमी है उसको चूज किया, तो उसका एक मेन कारण था कि मुझे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी चाहिए थी, मुझे एक स्टेबल कंपनी चाहिए थी, मुझे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली कंपनी चाहिए थी, और मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसके खुद कुछ सिद्धांत हो, बेसिक प्रिंसिपल्स हो, खुद कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हो, एक सर्टेन विजन हो, जो विजन शायद मेरे विजन से मैच करता हो, राइट। तो ये सारी चीजें मैं तलाश रहा था, ये सारी चीजें फाइनली जो मेरा मैच है वो फाइनली एटमी पे आके खत्म हुआ है। और यही आई होप बहुत सारे लीडर्स जो पिछले नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंसेस से जले हुए हैं और पिछले नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस उनके बहुत ज्यादा बुरे रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक ड्रीम कंपनी है। और ये ड्रीम कंपनी है, तो ड्रीम कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से एटमी की बुनियाद रखी गई है, राइट। और ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि आप 11 तारीख के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें, एक सही रणनीति की तौर पे प्रिपेयर रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना जाएं, राइट। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक ड्रॉप जो है वो आने वाला है, क्योंकि जो 2-3 साल की लोगों की मेहनत है उनका जो फल है वो सीधा सीधा अगले 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में निकल के आएगा, लेकिन 3 महीने के बाद में ये चीजें वापस एक जो ग्राफ है वो ग्राफ एक सैचुरेटेड ग्राफ में जाना स्टार्ट होगा और फिर उसके 6-8 महीने के बाद में वापस बाउंस बैक करेगा। तो ये माइंडसेट अपना टीम पे डेवलप कीजिए ताकि उनको ये ना लगे कि जिन लीडर्स के चेक अचानक से शुरुआती तौर पे निकलना शुरू हुए और 6 महीने के बाद में उनके चेक जो है या पे आउट जो है वो एक लिमिट से कम कैसे आने लगे हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो उनसे शेयर करेंगे और उनको समझाएंगे कि उनकी वो 3 साल की मेहनत थी, 2 साल की मेहनत थी या 1 साल की मेहनत थी जो उनको एक साथ पे बैक करी थी, एक साथ उनका 1 से 2 महीने में उनका प्रॉफिट निकला हुआ था, और इसके बाद में वो सारी चीजें एक कांस्टेंट परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगी और 6-8 महीने के बाद में या 1 महीने के बाद में ही जैसे प्रोडक्ट के रिव्यूज रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे पेमेंट के स्क्रीनशॉट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये वापस बाउंस बैक करेगा और उसके बाद में एटमी कभी रुकने वाला नहीं है। तो बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है गाइज, और बहुत ज्यादा कमर कस ले अपनी, बहुत अच्छे से तैयारी करें। आगे आने वाला जो मार्केट है, आगे आने वाला जो समय है वो कंप्लीटली एटमी का समय है, कंप्लीटली एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का समय है, और हम लोग इस इंडस्ट्री का शायद इतिहास बदल सकते हैं क्योंकि हम लोग कंप्लीट नॉलेज बेस्ड, एक नॉलेज फोकस कंपनी है, उसका पार्ट है।
और हम बहुत ज्यादा एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो हम लोग बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी सोच, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ओपिनियन जो मार्केट के जो नेगेटिव साइड है, उन सारी चीजों को शायद हम लोग चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। तो हम सब लोग मिलकर डेफिनेटली ये काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और मैं जल्द ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आप सभी लोगों को ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल।